हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ स्टेट्स के बारे में बताया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी कैटेगरी वाइज, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल फॉर्म इंसर्ट किया था, और मैंने उस वीडियो में बताया भी था आपको कि अगर आप अपने स्टेट के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हो तो उस गूगल फॉर्म को फिल करके हमारे पास में भेज दीजिए, जिससे कि हम उसको एक्सेस करके, उसको एनालिसिस करके अगला वीडियो बना पाए, नेक्स्ट स्टेट्स के ऊपर वीडियो बना पाए। तो कई स्टूडेंट्स ने वो गूगल फॉर्म भरा, लेकिन मैक्सिमम ने उसके कमेंट बॉक्स में लिखा। स्टूडेंट्स, एक बात बता देता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, इट्स गुड, बट एक्चुअली हम कमेंट बॉक्स के अंदर कमांड नहीं डाल सकते, वहां से हम फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे हमें मान लो ओडिशा के लिए चाहिए तो ओडिशा वर्ड डालेंगे, तो हमारे गूगल फॉर्म के अंदर अगर मान लो आपने रिक्वेस्ट डाल रखी हो, ओडिशा वाले कैंडिडेट ने अगर फॉर्म भर रखा होगा, तो हम देख लेंगे कि ओडिशा से कितने जने रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में फिगर आ जाता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखने की बजाय आप अपने गूगल फॉर्म के अंदर अपनी रिक्वेस्ट डालिए, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड हो तो वो गूगल फॉर्म भर करके हमें भेज दीजिए, हम पर्सनली अटेंड करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि गूगल फॉर्म में हम नंबर मांगते हैं और फोन नंबर जो होता है उससे हम पर्सनल कॉल करके उनकी क्वेरीज को दूर करते हैं। ऐसा वीडियो भी डालूंगा मैं आपके सामने जिनके पास में हमने कॉल किया और वो सेटिस्फाई हुए। तो आप भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस गूगल फॉर्म में डाल सकते हो, और अगर आप अपने स्टेट के बारे में जानना चाहते हो तो भी गूगल फॉर्म में डाल सकते हो कि हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। यानी कि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको पूछनी है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल फॉर्म, न कि कमेंट बॉक्स। गूगल फॉर्म से हम कमांड ले सकते हैं, गूगल फॉर्म को हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें फिल्टर डाल सकते हैं, हमारा वर्ड जो चाहिए वो ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि डेटा एनालिसिस बहुत ईजी हो जाता है और हमारे लिए भी और आपके लिए भी सुविधा हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गूगल फॉर्म अटैच किया है। इस वीडियो के बाद में अगर आप भी अपने स्टेट के बारे में जानना चाहते हो, जिस इस वीडियो में अगर कवर नहीं हुआ है, तो आप हमें उस गूगल फॉर्म में लिख करके भेज दीजिए। 5 सेकंड्स का प्रोसीजर है ओनली उसको सबमिट करने का, ज्यादा डिटेल नहीं मांग रहे हम लोग, आपकी प्रॉब्लम चाहिए हमें और आपके प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए वो बनाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ गूगल फॉर्म पे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है या रिक्वेस्ट है तो आप उस गूगल फॉर्म में लिख करके भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखने की बजाय, जो हमें आसानी रहे। तो चलिए, हमने इस वीडियो में जो स्टेट्स कवर किए हैं कैटेगरी वाइज और स्टेट कोटा का 2021 का कट ऑफ हमने यहाँ पे मेंशन किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना सारे के सारे। ये जितने भी हमने मेंशन किए हैं वो पिछले वीडियो के अंदर गूगल फॉर्म में आई हुई रिक्वेस्ट के आधार पर बनाए गए हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्होंने हमें भर भर के लिखा है कि सर हमारे स्टेट के बारे में बताइए। इनके ही स्टूडेंट ने हमें लिखा है कि सर हमें काउंसलिंग में ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो आप भी लिख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट गूगल फॉर्म के अंदर। तो चलिए मैं स्लाइड दे देता हूं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये दिल्ली वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका 2020 का कट ऑफ स्टेट कोटा का, आपको पता है ये आईपी कोटा आरएमएल, ये एलएचएमसी को अलग से मेंशन किया है, गर्ल्स का कॉलेज है, जो यहां पर गर्ल्स का कट ऑफ भी लिख दिया है। और ये हमने क्लोज अप्रोक्सीमेशन लिख करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है स्टूडेंट, यानी कि आप ये मत मानिए कि सर ये क्या लिख दिया, अरे यार जितना हमें आता है हमारा एनालिसिस जो है स्टूडेंट, देखो जहां तक मेरा ख्याल है कि मेरा एनालिसिस क्लोजली जाता है, तो हमने हमारे एनालिसिस के बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया है, तो आप इसको मान के चलिए कि ये आपके लिए इसी के आसपास ही आपका 2021 का कट ऑफ रहने वाला है। ओके, तो चलो ये डेटा हमने यहाँ पे 2021 के लिए लिख दिया, दिल्ली के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही ओडिशा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी कैटेगरीज हम लोग ने मेंशन नहीं की है उस गूगल फॉर्म में, जिस कैटेगरीज का ज्यादा फॉर्म हमारे पास में आया है उसको प्रायोरिटी बना करके हमने कैटेगरीज मेंशन करने की कोशिश की है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी कैटेगरीज हमने मेंशन कर दी है। ओके, तो चलिए ये कैटेगरीज आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, राजस्थान वालों की रिक्वेस्ट आई थी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट राजस्थान वाले स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश वाले आप भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हरियाणा स्क्रीनशॉट ले लो, हिमाचल प्रदेश वाले सारी कैटेगरीज हैं एक्सपेक्टेड 2020 स्क्रीनशॉट ले लो, पंजाब जे एंड के की बहुत सारी कैटेगरीज हैं स्टूडेंट, ये कैटेगरीज केवल जे एंड के वाले ही जानते हैं, सारी स्लाइड्स ओनली स्टेट वालों के लिए ही है। तो जे एंड के में इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इनकी भी कई सारी रिक्वेस्ट आई थी हर कैटेगरीज के लिए, तो हमने सारी मेंशन कर दी, जे एंड के और कर्नाटका की सारी कैटेगरीज हमने मेंशन कर दी, क्योंकि उस गूगल फॉर्म में हर कैटेगरी रैंडम सभी कैटेगरीज का रिक्वेस्ट आ रहा था। तो देखो जे एंड के का एक्सपेक्टेड और 2020 का डेटा हमने डाल दिया स्टेट कोटा के लिए। ओके, और कर्नाटका के स्टूडेंट्स इतनी सारी कैटेगरीज हैं, और ये आपके एक्सपेक्टेड और 2020 का डेटा, कर्नाटका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टूडेंट सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए आप एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें एक भी चीज अगर आप मिस कर देते हो तो आप गलती से कोई कॉलेज ले लेते हो जो आपको नहीं चाहिए होता है, और वो कॉलेज छोड़ देते हो जिसके लिए आप डिजर्व कर रहे थे। तो ऐसे अगर इन्फॉर्मेटिव काउंसलिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बाकी आपको कुछ अच्छा कहना है बुरा कहना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और रिक्वेस्ट और प्रॉब्लम अगर कहनी है तो वो गूगल फॉर्म में लिख करके भेज दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।